हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल मार्केटिंग लाइन। मैं श्वेता गोयल इस वीडियो के डिस्कस करूंगी कि फिजिबल स्टडी क्या होती है। हम उसका मीनिंग देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे, इंपॉर्टेंस और लास्ट में हम देखेंगे कंपोनेंट और कह सकते हैं एलिमेंट्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। उससे क्या होगा, मैं आगे कोई वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे फिजिबिलिटी होती है। फिजिबिलिटी प्री फिजिबिलिटी वाला इसके बाद आता है। प्री फिजिबिलिटी कहती है जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा है कंपनी को, और फिजिबिलिटी क्या है, अब कंपनी जो है एक स्टेप और आगे बढ़ चुकी है और वो देखती है कि जो उसका प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है वो सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा, जितने उसके रिलेवेंट फैक्टर्स हैं। अ फिजिबिलिटी स्टडी इज एन एनालाइज यूज इन मेजरिंग द एबिलिटी एंड लाइवलीहुड टू कम्प्लीट अ प्रोजेक्ट सक्सेसफुल इंक्लूडिंग ऑल रिलेवेंट फैक्टर्स। रिलेवेंट फैक्टर्स कौन कौन से, इसमें आप मार्केट देखते हो, टेक्निकल देखते हो, जो मैंने आप पे दे रखा है, सारे एनालाइज करते हो, कैपिटल यूटिलाइजेशन करते हो, डिमांड एंड सप्लाई देखते हो, कॉम्पिटिशन देखते हो, फाइनेंशियल एनालिस करते हो और मार्केट फिजिबिलिटी देखते हो। इन सब चीज़ को आप देख लेते हो और आपको लगता है कि हाँ, गवर्नमेंट रेगुलेशन भी देखते हो। इन सब चीज़ों को देखने के बाद लगता है कि हाँ, आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा तो कंपनी आगे काम करती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है। जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो उस स्टडी को, जो उसने यूज़ करी है स्टडी, उसको वो देखता है और जो उससे देख रहा होता है कि उसके क्या पॉजिटिव आउटकम्स आ रहे हैं, क्या नेगेटिव आउटकम्स आ रहे हैं, उसको फिर देखता है अच्छे से कि पॉजिटिव ज़्यादा आ रहे हैं, नेगेटिव आते हैं, उसको प्रॉपर एनालाइज करता है बिफोर इन्वेस्टिंग। अपना प्रॉपर उसमें टाइम देना और मनी देने से पहले वो अच्छे से उन पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम्स को अच्छे से एनालाइज करता है। इतना क्लियर हुआ? सप्लाई एंड डिमांड। अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है, उसकी डिमांड ही नहीं है तो उसको सप्लाई तो हो ही नहीं पाएगी। जब कस्टमर चाहेगा ही नहीं वो गुड, तो कंपनी बेचेगी किसको? तो कस्टमर की उसको प्रेफरेंस में देखनी है। कंपनी उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाती है जिसकी मार्केट में डिमांड हो, देन वो सप्लाई कर पाएगी। साइट देखती है कि जहाँ से आपके रॉ मटेरियल आपको ईजिली अवेलेबल हो, आपको लेबर मिल जाए, आपको स्किल्ड लेबर भी आराम से मिल जाए, ऐसी जगह वो देखती है, जिससे क्या उसका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी बचेगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी तो अल्टीमेटली उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी और उसका प्रोडक्ट और सस्ते में बनके तैयार हो जाएगा। कंपटीशन है। अगर आपको पता है एक पेन है, सेम टाइप का पेन है और तीन कंपनियां बेच रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, सेल्स कम होगी। खरीदने वाले तो 10 पीपल ही हैं, उन्हीं को बेचना है, अब वो तीन कंपनियाँ बढ़ जाएगा। अगर एक कंपनी होगी तो जो 10 कस्टमर है वो उसी से सामान खरीदेंगे, तो ज़्यादा कॉम्पिटिशन आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो बढ़ रहा होता है, क्योंकि आपको इतनी सेल करनी है, नहीं तो आप प्रॉफिट में आ जाओ, लॉस में आ जाओगे। तो कंपटीशन ज़्यादा है, टारगेट कंप्लीट होंगे नहीं, तो अल्टीमेटली कंपनी लॉस में आ जाएगी। तो कंपनी को देखना से कंपटीशन कैसे हैं जिससे वो अपना टारगेट कंप्लीट कर पाए और अपना जो मार्केट शेयर है वो कैप्चर कर पाए। फाइनेंशियल एनालिसिस। कंपनी के पास कभी कभार कैपिटल ही नहीं होता, मतलब उसके पास आइडिया है कि उसको ऐसा सा प्रोजेक्ट बनाना है, पर उसे कैपिटल नहीं है उसके पास लगाने के लिए, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपका डेप इक्विटी, आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अगर उसके पास कैपिटल ही नहीं है तो उसके पास तीन सोर्सेज हैं। वो किससे कैपिटल लेगी? आप इक्विटी से ले लेगी, या डिबेंचर से ले लेगी, या अपनी प्रेफरेंशियल से ले लेगी। तो इन सब चीज़ का एनालिसिस में होता है आपका फाइनेंशियल एनालिसिस में। मार्केट फिजिबिलिटी में क्या है कि करंट मार्केट क्या चाह रही है, फ्यूचर मार्केट कैसी आ रही है, पोटेंशियल कस्टमर कितना है, सेल्स कितनी है, एस्टिमेशन कितनी है, बायर कितनी है, ये सब किस में आता है आपका मार्केट फिजिबिलिटी में। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कि जितना आपके पास है यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज हैं, उसको आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो, उनको ऐसे रिसोर्सेज को लगाओ ऐसी ऐसी जगह जिससे वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो। तो इन सब चीज़ को एनालाइज आप करते हो तो वो किस में आता है आपका फिजिबिलिटी स्टडीज़ में आता है। एलिमेंट्स क्या क्या हैं? द प्रोजेक्ट स्कोप। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने की उसकी अपॉर्चुनिटी क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है जो बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। करंट एनालाइज कर दो। करंट एनालाइज क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो आप न्यू प्रोडक्ट्स को और सिस्टम को, डिस्कवर कर रहे हो उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस, करंट प्रोजेक्ट की उसके प्रॉस कॉन्स देख रहे हो, जिससे क्या है आपका टाइम भी बच जाएगा और आपका मनी भी बच जाएगा। अब हम देखते हैं रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर है। अगर आपके ऑब्जेक्टिव जैसे ऐसी आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट आपका 10 लोगों में कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है। अगर आपका जो प्रोजेक्ट बड़ा है, ऑब्जेक्टिव बड़े हैं, 100 लोगों की रिक्वायरमेंट है, आपका 100 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। अप्रोचेस क्या है? आप उस तरह से एक्शन लेंगे जिससे आपकी जो मीट है रिक्वायरमेंट वो ईजिली हो जाए और आपके जो सोर्सेज हैं वो ईजिली अच्छे से कन्वर्ट हो जाए, मतलब
इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ करोगे, रिसोर्स भी कम हो अच्छे से यूज़ करो। जैसे आप बाहर से ही सोर्सेज ले रहे हो, कैपिटल ले रहे हो, तो आपका मेन पर्पस क्या आएगा, आपको सोर्सेज भी मिल जाए, आपको पैसा भी मिल जाए उन सोर्स से, और आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम है। क्लियर हुआ? इवेल्यूशन, जो आपने काम करा है उसको आप इवेल्यूट कर रहे हो, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ये हम फिजिबल स्टडी का ही कर रहे हैं कि मेरा पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा। तो हमारा है एवोल्यूशन में क्या है, मैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस देख रही हूँ कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट की है उसको मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है, मुझे कॉस्ट कितनी मिल रही है, मुझे बेनिफिट कितना मिल रहा है। अल्टीमेटली क्या, रिव्यू, मैं रिव्यू देती हूँ। मेरे कोई किसी सामान मंगवाया, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, बहुत सारी चीज़ें, तो मैं अपना फीडबैक देती हूँ ना, वो रिव्यू है कि मुझे वो प्रोडक्ट कैसा लगा, मुझे वो सर्विस कैसी लगी, मैं क्या चाहती हूँ सर्विस में, कोई चेंज हो या नहीं। तो बाकी सब चीज़ आप कर लेते हो, तो लास्ट में आप रिव्यू देखते हो कि आपको ये सारा जो जो प्रॉपर प्रोसेस हुआ, स्टेप हुए, वो आपको ठीक लगे। आपको को लगा तो नहीं कि किसी चीज़ में आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपको रिजेक्ट करना है, अप्रूव करना है, या उसको रिवाइज़ करना है, उसमें कुछ चेंजेस लाना है, वो सिर्फ आप रिव्यू लास्ट प्रोसेस में करते हो। उस हिसाब से फिर अगर आपको सब चीज़ सही होता है, अप्रूव हो जाता है वो, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, या कह सकते हो आप एग्जीक्यूट करते हो। ये था हमारे एलिमेंट्स ऑफ फिजिबल स्टडी। इंपॉर्टेंस क्या है, देखो आपको कलेक्ट मिल जाता है डेटामाइन, कलेक्ट ऑल द डेटा, जिससे क्या होगा आपकी प्लानिंग बन गई, आपको बस इम्प्लीमेंट करना है, जिससे आपका कॉस्ट भी बच जाएगा, टाइम भी बच जाएगा। टाइम इसलिए कह रही हूँ मैं, आपने सब चीज़ इम्प्लीमेंट कर दी, आपकी फेल हो गया, आपको दोबारा से सब चीज़ करनी पड़ेगी, तो टाइम भी बच रहा है, अल्टीमेटली पैसा भी बच रहा है। हेल्प टू आइडेंटिफाई लॉजिक्स प्रॉब्लम, नियरली ऑल द बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशंस, लीड्स टू डेवलप द मार्केट स्ट्रैटेजी, हेल्प मिलेगी। देखिए एक स्मॉल बिजनेस है, उसको मेन है कि उसको टारगेट क्या है उसका, उसको और भी टारगेट और भी ऑडियंस उसको लेनी है, उससे की वजह से वो अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है, तो एक्सपेंड करने के लिए वो सब चीज़ देख रहा है। अगर वो एक्सपेंड करने के लिए सब चीज़ देख रहा है, तो वो उसकी इम्पोर्टेंस है कि वो सब चीज़ देख कर काम करेगा, तो उसकी कॉस्ट बच जाएगी, वो अच्छे से लीडरशिप कर पाएगा, वो कन्विंस कर पाएगा, अगर उसका प्लान प्रोजेक्ट अच्छा होगा तो वो बैंक को कन्विंस कर पाएगा कि वो उसको इन्वेस्टमेंट दे दे, जिससे वो अपना जो स्मॉल बिजनेस है उसको एक्सपेंड कर पाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थी। लास्ट में मैंने एग्जांपल लिया है जो मैंने प्री फिजिबिलिटी में भी समझाया है, तो ये एग्जांपल अगर आपको समझना है कि मैंने क्या बताया था कैंटीपल्स में, तो आप प्री फिजिबिलिटी में आ जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही कि मैंने समझाया कि प्री फिजिबिलिटी से आदमी आता है आपका फिजिबिलिटी, तो फिजिबिलिटी क्या होती है, उसकी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको वो रिलेवेंट फैक्टर्स कौन से हैं जिसको जो कंपनी है वो एनालाइज करती है, और लास्ट में हमने देखा एलिमेंट्स ऑफ फिजिबल स्टडी एंड उसकी इंपॉर्टेंस। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।